नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भुसावल शहर में MITD अंग्रेजी माध्यम आयान स्कूल में रंग तरंग कार्यक्रम शनिवार 25 फरवरी को आयोजित किया गया। इस मौके पर मंच पर MITD इंग्लिश मीडियम स्कूल के अध्यक्ष हाजी मुन्ना इब्राहिम तेली अयूब सर, साबिर शेख, रहीमुद्दीन शेख, सुलेमान तरवी, अख्तर पंजारी, शबीर शेख, शेख हुसैनुद्दीन, जलील कुरैशी, आसफ तेली, आशिफ तेली, सैयद वाजिद अली सर आदि मौजूद रहे। वह इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने नयन सागर नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में जूनियर KG से 7वीं तक के बालक बालिकाओं ने भाग लेकर भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, वेशभूषा, बोलियों का समन्वय कर फिल्म इंडस्ट्री के पुराने और नए गानों को लेकर बनाए गए नृत्य संगीत की प्रस्तुति दी और छात्रों को दर्शकों से सबसे अधिक प्रतिक्रिया मिली। वहीं आशिक तेली की सुकन्या बुशरा तेली का जन्मदिवस मनाया गया। वह इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय के प्राचार्य सैयद वाजिद अली सर द्वारा योजना बनाई गई और शिक्षकों एवं कर्मचारियों के बहुमूल्य सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इधर आयान कॉलोनी में इंग्लिश मीडियम स्कूल के मुन्ने मुन्ने बच्चों का एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करके तो एक अच्छा यहाँ पर डांस का प्रोग्राम और मनोरंजन का प्रोग्राम आयोजित किया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे स्कूल के डायरेक्टर आदरणीय भुसावल नगर पालिका के माजी नगर अध्यक्ष प्रवीण पिंजारी, प्रेमोदन दादा, साधु भाई और जलील भाई कुरैशी, सुधीर भाई शेखता और सभी हमारे स्कूल के संचालक मंडल और टीचर स्टाफ और यहाँ पर आए हुए सभी पेरेंट्स बच्चों के मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। तो बड़ा खुशी का दिन है कि आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया है, लेकिन एक छोटे प्रोग्राम में तकरीबन आज 600 से 700 पेरेंट्स के आसपास यहाँ पर आए और बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस एरिया के अंदर 90% लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू होगी, लेकिन ये आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की दुआओं की वजह से और आप लोग जो हौसला देते हैं हमेशा स्कूल के कार्यक्रमों को, स्कूल को जो सपोर्ट करते हैं, उसी की वजह से यहाँ पर स्कूल की बुनियाद हमारे सभी संचालक मंडल के सभी डायरेक्टर लोगों के मेहनत से चालू किया गया। कई लोगों ने जब स्कूल चालू किया जब तरह तरह की बातें की, कई लोग कंप्लेना करते थे, कई लोग तोड़ने के लिए काफ़ी जद्दोजहद किए, ये स्कूल को भी, वो स्कूल को भी। आज 20 साल हो गए वो स्कूल को, ये स्कूल को भी तकरीबन 15 साल हो गए और 20 बच्चों से स्कूल की शुरुआत की थी। आज दोनों स्कूलों के अंदर आज जो है 1400 बच्चे हैं और उसके अलावा कम से कम 1000 से ऊपर बच्चे मतलब 10वीं पास करके कॉलेजों के अंदर बड़ी बड़ी डिग्री लेकर हासिल करने के लिए जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति अवार्ड अपने स्कूल को 2 बार मिला हुआ है। बड़ी खुशी की बात है और अनेक गवर्नमेंट के अलग अलग खेल के अंदर बच्चे जाते हैं और बहुत अच्छी बाजी मार कर आते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के बच्चे जो आप लोगों ने जो उम्मीद लगाकर इस स्कूल के अंदर एडमिशन किया है वो एक से एक धीरे हैं बच्चे, फिर इनको तराशने की जरूरत है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि साल के 365 दिन होते हैं, 165 दिन छुट्टियों के अंदर चले जाते हैं और 200 दिन में भी सिर्फ 4 घंटे बच्चा हमारे पास रहता है, 20 घंटे आपके पास रहता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे पूरा टीचर स्टाफ कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे, अच्छा से अच्छा उनका फाउंडेशन एक इतना मजबूत बनाए कि बच्चे आगे हायर एजुकेशन के अंदर कभी कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पीछे नहीं रहे। ये लोग सभी टीचर स्टाफ कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी अगर थोड़ा साथ दें तो आपके बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं। शायद आप लोगों को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि आप लोगों के बच्चे ऐसे ऐसे हीरे हैं, ऐसे ऐसे कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई की और इतना अच्छा यहाँ पर जिनके 90% घरों के अंदर इंग्लिश का एजुकेशन नहीं है, ऐसे घरों के बच्चे भी यहाँ पर इंग्लिश के अंदर इतना अच्छा पढ़ाई करते हैं कि आप लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा बच्चों को सपोर्ट करें,
पूरे त्योहारों के अंदर, शादियों के अंदर छुट्टियां न माने और बच्चों को छुट्टियों के छुट्टियां न ले और ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर बच्चों को स्कूल के अंदर भेजें और उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए उनका सपोर्ट करें, ऐसे आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज 20 साल पहले पूरे नासिक डिवीजन के अंदर पहला मुस्लिम समाज के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल भुसावल के अंदर चालू हुआ था। जब लोगों को उसकी अहमियत नहीं थी, लेकिन आज एजुकेशन की अहमियत बहुत हो गई है और आज का जो जमाना है वो इंग्लिश का जमाना है। इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आने वाले अपने घरों के बच्चे, अपने रिश्तेदारों के, अपने पड़ोसी के, अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश स्कूल के अंदर आप लोग पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि 10-12 साल जब बच्चा स्कूल पढ़ लेता है और उसके बाद वो जब हायर एजुकेशन में जाता है जब उसको इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ती है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप इसी इंग्लिश स्कूल के अंदर आपके बच्चों का एडमिशन करो। यदि अगर आपको लगता है कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल से अच्छी भी और कोई स्कूल है तो वहां पर जरूर आप करो, लेकिन कोई भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल के अंदर ही आपके बच्चों का एडमिशन करो। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई स्कूलें ऐसी भी आ गई है कि अलग अलग तरीके के नाम दे देती है, लेकिन वो उनकी परमिशन कुछ और होती है, कोई उर्दू मीडियम की है, कोई मराठी मीडियम की है, कोई हिंदी मीडियम की है, लेकिन उन्होंने टीनी इंग्लिश का नाम देकर और कुछ पेरेंट्स को गुमराह कर बच्चों को एडमिशन करा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि 5वीं के बाद जब वो हिंदी मीडियम हो जाती है तो बच्चा मैं इधर का रहता हूँ, उधर का रहता। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो भी स्कूल में आपको डालना है आप देखभाल के, सोच समझ के और अपने बच्चे को फ्यूचर खराब नहीं हो ऐसा समझते हुए और अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, इन बच्चों को अच्छा से अच्छा अच्छी स्कूल के अंदर अच्छा एजुकेशन देने की आप लोग कोशिश करें। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना। एक 15 रुपये रोज भी अगर आपने अलग रखे, 15 से 20 रुपये रोज भी अगर आप लोग अलग रखे तो पूरे साल भर के अंदर बच्चा पढ़ लेता है और बच्चा बहुत काबिल बनता है। लेकिन न जाने क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है कि हमारे पेरेंट्स को फिक्र ही नहीं है। ऐसे बाकी के दूसरे खर्चों के, दूसरे मामलों के अंदर खर्चा बहुत कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के एजुकेशन का जहाँ मामला आता है वहाँ पर पीछे हट जाते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि भले ही घर में चट्टी रोटी खा लो, भले ही मतलब दो कपड़े कम पहन लो, कम सिला लो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दो, अच्छी तालीम दो। और आप लोगों के बच्चे बहुत धीरे हैं, फिर इनको तराशने की जरूरत है और इनका सपोर्ट करें, स्कूल का सपोर्ट करें, मैनेजमेंट का सपोर्ट करें। यही कहते हुए आपको मुबारकबाद देते हैं, आपसे दो शब्द खत्म करता हूँ।